हाय एवरीवन, जब मैं पीएचडी करने का सोच रहा था ना, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि पीएचडी नहीं पता क्या होता है, कहां से करना चाहिए। इतना पता था कि पीएचडी में पैसा मिलता है, तो बस मैं पीएचडी में चला गया। उसके अलावा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन वहां जाने के बाद ना, मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। मैंने आईआईटी गुवाहाटी से पीएचडी किया है, और ये मैंने पीएचडी जर्नी में बहुत कुछ मैंने डिटेल में बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये मुझे कुछ नहीं पता था, तो मैंने जाके पीएचडी ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो बच्चे बहुत सीरियस हैं, जो रिसर्च को लेके बहुत सीरियस है, जिनका रिसर्च पैशन है, जो 2% में आते हैं, जो मैंने डार्क एंड ब्राइट साइड ऑफ पीएचडी इन इंडिया बताया था, तो जो 2% बच्चे हैं जो रिसर्च को लेके बहुत सीरियस है, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पीएचडी कहाँ से करें, इंडिया से करें कि अब्रॉड से करें। इंडिया से करने में पीएचडी में क्या नुकसान है, बाहर से करने में क्या नुकसान है, तो ये बहुत सारा डाउट है। बहुत सारा दोनों से करने से क्या फ़ायदा नुकसान है, तो बहुत सारा ऐसा डाउट है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उसको मिला के और बहुत लोगों से मैंने बात किया है जो पीएचडी बाहर से कर रहे हैं, जो पीएचडी और बाहर से कर रहे हैं, और जो पोस्टडॉक भी बाहर से कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों से मैंने बात किया, उन लोगों से इंटरेक्ट किया, तो उनके बेसिस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा और जो लोगों से बात किया, उस बेसिस पे मैंने कंक्लूजन बनाया है कि आपको कहाँ से पीएचडी करना चाहिए, जो खासकर रिसर्च को लेकर बहुत सीरियस है। तो ये वीडियो उसके लिए है जो बहुत सीरियस है और जो बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने डिटेल में ये कंक्लूजन बनाया है, तो इसको देखते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए डायरेक्टली कि आपको पीएचडी कहाँ से करना चाहिए, तो मेरा एक ही आंसर होगा, अब्रॉड से करना चाहिए। लेकिन ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इसको चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो इंडिया में पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जनरली आप आईआईटीज में जाइएगा इंटरव्यू देने, सॉरी पीएचडी एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। सम टाइम क्या होता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। फिर इंडिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन जनरली आईआईटीज में आप जाइएगा, चाहे किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाइएगा, तो वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यही जनरल प्रोसेस है इंडिया में। लेकिन अगर आप अब्रॉड में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मांगेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या मांगेगा आपसे, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप वहाँ पे अब्रॉड में जाने का मतलब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके जिसका रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 1000 है वहाँ चले जाइए, मतलब कि आप ट्राई कीजिए कि टॉप 100 में, टॉप 200 में आप एडमिशन लेने का सोचिए। उन जैसे कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड खोजेंगे, आपसे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन खोजेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खोजेंगे, कुछ टेस्ट है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, GRE और GMAT खोजेंगे आपसे, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट खोजेंगे, जैसे TOEFL हो गया, IELTS हो गया, इस टाइप का चीज़ आपसे खोजेंगे। और ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, ये क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट है। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि किस किस कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, बस ये सारा चीज़ उसमें आपको मांगते हैं वो लोग। फिर उसके बाद जैसे कि अब चाइना ताइवान में ये सब GRE और GMAT ये सब का ज़रूरत नहीं होता है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी ज़रूरत नहीं होता है, तो लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है खास के सारी चीज़ें मांगती हैं आपसे, तो वो सब में तो ये सब रिक्वायरमेंट है। लेकिन वहाँ पे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए ये सब आपको देना पड़ेगा। तो ये तो एडमिशन प्रोसेस हो गया। और कहीं कहीं इंडिया में भी एडमिशन प्रोसेस के दौरान आपको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल लिख के भी देना पड़ता है। कभी कभी IIT मांगती है, जब मैंने दिया था तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक लिख के देना था, तो वो फॉर्म भरने के दौरान ही आपसे मांगती है। तो ये सारा चीज़ तो हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस, ये डिपेंड करता है। तो एक बात और है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है बाहर में, क्योंकि अब क्या हो गया, पीएचडी को लेके बहुत लोग सीरियस है, तो इंडिया से बहुत लोग बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान ये सारा चीज़ ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंपटीशन अच्छे कॉलेजों में थोड़ा सा ज़्यादा है ऐसे। अब इधर थोड़ा जो टॉप 500 से पीछे है, तो उसमें थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, आपको इजीली मिल सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा वहाँ नहीं जाना है, उससे तो अच्छा
आप IITs के में किसी से कर लीजिएगा तो ज़्यादा उसका वैल्यू होगा, लेकिन अब्रोड में खासकर जब भी ट्राई कीजिए टॉप 200 के अंदर ही ट्राई कीजिए, वहाँ PhD लेने का। मैं उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ, PhD फ्रॉम अब्रोड। अब आते हैं ड्यूरेशन, इंडिया और अब्रोड में क्या अंतर है PhD ड्यूरेशन का। जनरली इंडिया में ना, मैंने बताया है डार्क एंड ब्राइट साइड में, जनरली 5 साल लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके सुपरवाइजर अच्छे हैं, ठीक है, और ये डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे भी, लेकिन अगर आपका सुपरवाइजर अच्छा है ना, 3 से 4 ईयर्स में आपको डिग्री मिल जाएगा। तो इंडिया में PhD बहुत डिपेंड करता है सुपरवाइजर पे, आपका सुपरवाइजर कौन है, कितना फ्रेंडली है, कितना आपका हेल्प करते हैं, उस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। अदर फैक्टर्स भी है, वो मैंने डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ, मैंने अदर फैक्टर्स भी है। और यूनिवर्सिटी वेरी करेगा तो ये भी वेरी करता है, ठीक है। अब्रोड में क्या होता है कि यूजुअली एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि आप फंडिंग ले रहे हैं तो बहुत सारा फंडिंग होता है, तो वो 3 साल के लिए होता है, कोई 4 साल के लिए होता है, क्योंकि अगर आप अब्रोड में जाते हैं तो सेल्फ फंडिंग करना PhD के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ का फंडिंग मिलता है आपको, स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है। तो जनरली इस फिक्स ड्यूरेशन में ही आपका PhD हो जाएगा। यूरोपियन कंट्री का जनरली 3 to 4 ईयर्स में आपका PhD कंप्लीट हो जाता है जनरली, अगर क्योंकि अगर आप अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे तो 3 to 4 ईयर्स में आपका PhD कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं जाता है, वहाँ पे फंडिंग एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, इसीलिए उतना कम टाइम में हो जाता है। उसके आगे जाना है तो आपको खुद पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड के लिए आपको फंड मिलता है, इसीलिए वो कम हो जाता है। तो एवरेज वहाँ पे 4 ईयर्स हो जाता है और इंडिया में एवरेज 5 ईयर्स हो जाती है। मैं फिर भी कम बोल रहा हूँ, मेरे तो वहाँ पे IIT गुवाहाटी में देखा था 5.5.5 ऐसे 5 साल, 5 से ज़्यादा भी हो जाता है। तो इंडिया में जब भी PhD कीजिए तो सुपरवाइजर सबसे पहले चुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था ड्यूरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि रिसर्च एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। तो देखिए इंडिया में जो होता है कि रिसर्च एनवायरनमेंट अब्रोड के मुकाबले उतना अच्छा नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारा जैसे कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, रिसोर्स होता है, वो अवेलेबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए कुछ डैमेज हो गया उसमें तो वो बहुत दिन लगा देते हैं रिपेयरिंग करने में। अच्छा इंसो जैसे IIT में मैंने देखा है, डैमेज हो गया कोई रिपेयर करने बहुत टाइम लगा देंगे, कभी कभी बहुत जल्दी भी रिपेयर कर देते हैं, डिपेंड करता है। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में इंडिया में डिफरेंट रिसोर्सेज है ना, वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली इंडिया में बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट ना जनरली आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी चले जाइए इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूशन में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब्रोड में जाइएगा ना तो जनरली जो टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, मैं इसको पूरा डिटेल में बताऊँगा क्यों है टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, ये मैं डेटा के साथ बताऊँगा। टॉप रैंक इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पर वेल एस्टेब्लिश रिसर्च फैसिलिटी होता है, फंडिंग होता है, बहुत सारा फंडिंग मिलता है कॉलेज को, स्पॉन्सर्ड रिसर्च होता है, कॉलेज ही बहुत सारा फंड करती है आपको। अब्रोड में रिसर्च इन्वायरमेंट ये होगा कि आपको इंटरनेशनल कोलेबरेटर मिलेंगे, आपको बहुत सारे रिसर्चर से मिलने का मौका मिलेगा, और एकेडमिक एंड प्रोफेशनल रिसोर्स मिलेगा, सच ए लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कॉन्फ्रेंस, आप जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिएगा। तो ये सारा रिसर्च इन्वायरमेंट एक वहाँ का अलग होता है थोड़ा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इंडिया का रिसर्च चाहे अब्रोड का रिसर्च, हम लोग ना थोड़ा कंपेयर करते हैं कि क्या इंडिया में है क्या अब्रोड में है। तो एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग का पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, वैसे हम लोग का पब्लिकेशन में बहुत ग्रोथ हो रहा है। एकेडमिक पेपर जो हम लोग पब्लिश करते हैं वैसे बहुत ग्रोथ हो रहा है। पब्लिकेशन में हम लोग 4th पोजीशन में है, एकेडमिक पेपर जो हम लोग IITs में, NITs में और यूनिवर्सिटी में जो पब्लिश करते हैं रिसर्च के दौरान, उसमें हम लोग 4th पोजीशन में पेपर पब्लिकेशन में। लेकिन साइटेशन में, मतलब कि जो आपके काम को रिकॉग्नाइज कर, साइटेशन मतलब जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए, जो आपके काम को रिकॉग्नाइज करता है, उसमें हम लोग 9th पोजीशन पे हैं। पब्लिकेशन में हम लोग 4th पोजीशन पे, साइटेशन में 9th पोजीशन, मतलब हम लोग बहुत पीछे। हम लोग जो काम कर रहे हैं बस वॉल्यूम ऑफ नंबर्स ऑफ पेपर्स पब्लिश किए जा रहे हैं, हम लोग के रिसर्च पे उतना लोग भरोसा नहीं करते, हम लोग का क्वालिटी ऑफ रिसर्च उतना अच्छा नहीं है, बहुत कम लोग जो है जो इंडिया के रिसर्च को पे उतना भरोसा, इंडिया के रिसर्च के रिजल्ट पे उतना भरोसा करते हैं।
ये फैक्टर है, क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोग पब्लिकेशन में फोर्थ पोजीशन पे हैं और साइटेशन में नाइन्थ पोजीशन पे है वर्ल्ड में। मतलब कि हम लोग को काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं लोग, उतना रिसर्च को अच्छा नहीं समझ रहे हैं, तभी तो नाइन्थ पोजीशन पे है। अब ये डेटा है जो 2017 से 2022 के बीच में इंडिया 1.3 मिलियन पेपर पब्लिश किया, 1.3 मिलियन एकेडमिक पेपर्स, और जिसमें से साइटेशन हुआ 8.9 मिलियन और चाइना 4.5 मिलियन पब्लिश किया पेपर, यूएस 4.4 मिलियन पब्लिश किया और यूके 1.4 मिलियन पब्लिश। यूके और यूएस के पेपर को लोग सबसे ज़्यादा साइट करते हैं, ये इन लोग के रिसर्च को बहुत वैल्यू दिया जाता है। अब इसको हम समझेंगे डिटेल में, क्योंकि जितने भी नोबेल लॉरिएट है, मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है, सारे यूएस से ज़्यादा आते हैं, यूरोपियन कंट्री और यूएस से ही आते हैं। इसको जरा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में देखा जाए तो हम अभी तक इंडिया में नोबेल प्राइज विनर हैं टोटल 10 हैं, जिसमें से 4 है साइंस कैटेगरी में, लेकिन इस 4 में से सिर्फ एक ही है जो सीवी रमन है, वो सिर्फ इंडिया से बिलोंग करते हैं। बाकी जितने भी 3 हैं वो सब बाहर से ही, बाहर में प्रोफेसर हैं, बाहर में ही पढ़े हैं, वहीं से उन्होंने काम किया, उस यूनिवर्सिटी में रह के काम किया, वहीं से इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ सीवी रमन है, वही सिर्फ यहाँ से नोबेल प्राइज जीते हैं इंडिया से। मतलब सोच सकते हैं जो यूरोपियन कंट्री और यूएस कंट्री है वो मतलब अच्छा रिसर्च करती है तभी तो उनको नोबेल प्राइज मिलता है, कुछ नया करने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है, कुछ अच्छा फाइंड करने के लिए नोबेल प्राइज मिलता है साइंस बैकग्राउंड में। तो उन लोग का रिसर्च क्वालिटी बिल्कुल अलग है, हम लोग का रिसर्च क्वालिटी उनके कंपेयर में उतना अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि जनरली नोबेल प्राइज विनर होते हैं तो वो लोग को पेपर को ज़्यादा साइट किया जाएगा, क्योंकि उनका रिसर्च ही अच्छा है तो ज़्यादा लोग साइट करते हैं, नया रिसर्च करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं पोस्टडॉक के लिए अप्लाई कर रहा था ना तो मैंने स्टैनफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी शुरू में अप्लाई कर दिया था, तो मेरा रिसर्च तो बहुत पुराना था, वो वहाँ पे वो कब का वो लोग छोड़ चुके हैं वो रिसर्च को, वो लोग कुछ अलग ही लेवल का रिसर्च कर रहे हैं, नया नया चीज़ फाइंड कर रहे हैं, तो वो लोग तो ऐसे ही कंसिडर नहीं करेंगे आपको पोस्टडॉक के लिए। तो ये सारा चीज़ आप देखिएगा कि ये भी वेरा फैक्टर है, क्योंकि आप इससे भी समझ सकते हैं हम लोग यहाँ नोबेल प्राइज़ विनर कितने हैं, वहाँ पर कितने हैं। ये तो अगर कंट्री वाइज भी देखें तो मैं आपको ये साइंस में कंट्री वाइज अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट में 285 है जो साइंस बैकग्राउंड में जिनको ये मिला नोबेल प्राइज है। यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 90 है, स्विट्जरलैंड में 20 है, रसिया में 15 है, जर्मनी में 74 नोबेल प्राइज विनर है साइंस बैकग्राउंड में, फ्रांस में 39 है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा देश सिर्फ 1 है, एक ही है साइंस बैकग्राउंड में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी मैंने आपको जस्ट बताया है, जो इंडिया में रह के इंडिया में रिसर्च किया, लाइट स्कैटरिंग पे उनको मिला था, लाइट स्कैटरिंग पे उन्होंने काम किया था, उन पे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो हम लोग के यहाँ रिसर्च का क्वालिटी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हम लोग का रिसर्च उतना हाई लेवल का नहीं है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। अब जरा ये भी देखते हैं कि जो वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटी है वो कितना साइंस में, जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो है, MIT है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, तो ये सारा में आप देखिएगा ना तो जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं तो ये सब में बहुत ज़्यादा, सिर्फ अकेला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 53 साइंस बैकग्राउंड में है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उतना ही के आसपास नंबर है। तो ये सारा नंबर जो है साइंस बैकग्राउंड में बहुत है, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी इतना नोबेल प्राइज इन्होंने जीता, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर टोटल एवरेज देखें ना, मतलब टोटल मतलब हर एक फील्ड में देखिएगा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 161 है नोबेल प्राइज विनर, और ये नंबर ये बताता है कि कितना अच्छा रिसर्च होता है वहाँ पे इंडिया के कंपेरिजन, बाकी वर्ल्ड के कंपेरिजन कितना अच्छा रिसर्च होता है। एक आर्टिकल है द हिंदू, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जनरली हम लोग अपने GDP का 0.7%
रिसर्च बजट होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम लोग खर्च करते हैं। तो 2024-25 का जो रिसर्च बजट है 13,208 करोड़ है। लेकिन अगर सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का अगर रिसर्च बजट देखें तो जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च है वो 784 मिलियन डॉलर के आसपास है, और प्लस यूनिवर्सिटी जो फंड कर रही है 384 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो मतलब कि अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो है मतलब 1.23 बिलियन डॉलर रिसर्च बजट है उनका। और उसके बाद वो लोग बहुत रेवेन्यू अर्न करते हैं, रेवेन्यू बहुत सारा अर्न करते हैं रिसर्च के बेसिस पे। स्पॉन्सर्ड रिसर्च बहुत बड़ी इंडस्ट्री उनको फंड करती है रिसर्च के लिए, बहुत बड़ा सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट फंड करती है नया नया रिसर्च के लिए। तो आप सोच सकते हैं इंडिया का इतना कम मतलब टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, और उनका सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का इतना ज़्यादा है, 1.23 बिलियन डॉलर के आसपास है उनका रिसर्च बजट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का, मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि रिसर्च क्वालिटी में क्या अंतर होगा, बहुत बड़ा अंतर होगा। तो वहाँ का अगर छोटा सा भी, जैसे एक है जो 1000 रैंक के आसपास, एक मैं जानता हूँ एक स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन जिस एरिया में वहाँ पर काम कर रहा है ना उस एरिया में सारा फैसिलिटी है, वहाँ का रिसर्च बजट बहुत ज्यादा उस एरिया में, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में से रिलेटेड वो काम कर रहा है, तो वहां का रिसर्च बजट मतलब कि एक एवरी जो इक्विपमेंट है, जो कॉस्टली जितना भी टाइप का इक्विपमेंट है करेक्टराइजेशन के लिए, सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है। तो आप इससे, जो मैं ये इस यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ जो 1000 रैंकिंग के आसपास है वर्ल्ड में, उसका भी ये इतना अच्छा हाल है, जनरली जो यूके में है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सारा यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं हाल है। 200 के टॉप 200 के अंदर आप अगर पीएचडी करते हैं तो मतलब कि बहुत अच्छा है, आपको वहीं से करना चाहिए। ये सारा डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है हमारा रिसर्च एंड बजट में और उनका बजट में। तो रिसर्च बिल्कुल अच्छा होगा, उनका क्वालिटी ऑफ रिसर्च बिल्कुल अच्छा होगा। तो ये सिर्फ डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरा अगला पे आते हैं, सुपरविजन एंड मेंटरशिप। तो इंडिया में क्या है ना, खासकर यहाँ पे सुपरवाइजर ना अपने आप को बॉस समझने लगते हैं। सुपरवाइजर का मतलब होता है गाइड का रोल क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि वो आपके काम को आसान बना दे, क्योंकि उनके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे उल्टा करते हैं, इतने इगोइस्टिक होते हैं, क्या करते हैं आपको ले लेते हैं, आपको छोड़ देते हैं। सारे सुपरवाइजर नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन 95% तो ऐसे ही होते हैं, वो लेके आपको छोड़ देते हैं, आपके लिए कुछ हेल्प नहीं करते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि एक स्टूडेंट पे प्रेशर हो जाता है, उस पर स्ट्रेस में आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन, और शुरू शुरू में उसको कुछ नहीं पता होता क्या करना है, तो वो सब एक प्रॉब्लम होगा। सुपरवाइजर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसका और भी रीज़न है, जैसे कि अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है सुपरवाइजर, तो अब वो रिसर्च करे ना करे उससे गवर्नमेंट कभी सवाल नहीं पूछते, उनको निकाला नहीं जाएगा, परमानेंट जॉब में है तो आराम से टेंशन फ्री हो जाते हैं। वो अच्छा कैंडिडेट भी हैं, वो अच्छा रिसर्चर थे, कहीं फॉरेन से पीएचडी करके आए हैं, लेकिन यहाँ का मेंटलिटी में वो ढल चुके हैं, वो उस टाइप का हो गए हैं, वो अब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला है नहीं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि एक एक सुपरवाइजर के अंदर आप देखिएगा 12 से 13 स्टूडेंट है, तो सारा स्टूडेंट को टाइम देना बहुत ही मुश्किल है, और उतना रिसर्च टॉपिक है भी नहीं जितना मतलब स्टूडेंट ले लेते हैं फैकल्टी लो। जितना देखिएगा जनरली आईआईटीज में, अभी तो आजकल पीएचडी कम कर रहे हैं बच्चे, लेकिन जब उस समय मैं था तो एक ही फैकल्टी के अंदर 10 से 12 स्टूडेंट है। अब वो 10 से 12 स्टूडेंट के पास उतना रिसर्च टॉपिक भी नहीं, उतना रिसर्च टॉपिक, अच्छा रिसर्च टॉपिक तो है नहीं बिल्कुल। उसके बाद ये फैकल्टी के पास भी उतना टाइम नहीं सबको टाइम देने का, तो उसके लिए भी क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सुपरवाइजर होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके पीएचडी में, बड़ा क्या सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। तो सुपरवाइजर तो बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत सोच समझ के पीएचडी ज्वाइन कीजिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन एब्रॉड में क्या होता है, एब्रॉड में जनरली क्या होता है कि सुपरवाइजर आपके क्लोज टू क्लोज काम करते हैं, नहीं अगर काम करते हैं तो वहाँ पे वो लोग पोस्टडॉक बहुत हायर करके रखते हैं, तो पोस्टडॉक होता है ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, वो उससे भी बहुत आपको सीखने को मिलेगा। और सुपरवाइजर एक फिक्स टाइम पे आपको मतलब क्या बोलते हैं आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जनरली मैंने जिससे भी बात किया है सुपरवाइजर मिलते हैं किसी
फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग मिलते हैं और उससे आपको क्या बोलते हैं इंट्रैक करते हैं, बात करेंगे आपसे और बहुत सारा एक मीटिंग करेंगे, तो उसमें आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्लोज टू क्लोज इंट्रैक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। ऐसा नहीं सब कॉलेज में होता है, जनरली क्लोज टू क्लोज इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इजली आप चीज़ों को समझ पाइएगा, आपके काम को थोड़ा आसान बना देते हैं। बहुत सारे पोडॉक होते हैं, ऑलरेडी हायर्ड होते हैं, तो पोडॉक वर्ल्ड के हर जगह से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तो वो सब पहले ही से ट्रेंड होते हैं, वो सब भी आपको बहुत सारा हेल्प करेंगे, तो आपको ज़्यादा रिसर्च करने में और कम टाइम में अच्छा रिसर्च करके निकल जाइएगा वहाँ से। ये इंडिया में एक प्रॉब्लम होता है। तो इंडिया में एक बहुत फेमस चीज़ है कि क्या बोलते हैं, गाइड तो आपको टाइम नहीं देते हैं, तो बोला जाता है गाइड के भरोसे मत रहो, क्या पता गाइड तुम्हारे भरोसे हो। तो हमेशा इंडिया में ध्यान देना है कि गाइड के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि क्या पता गाइड आपके भरोसे पे काम कर रहा हो कि ये खुद से काम कर लेगा सब कुछ। तो इंडिया में और अब्रॉड में मेंटरशिप में ये अंतर तो है, सब जगह नहीं है इंडिया में, लेकिन जनरली ये तो है। तो ये था सुपरविजन एंड मेंटर। अब जरा देख लेते हैं कि नेटवर्किंग, ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज वो कहाँ पे ज़्यादा है, बेहतर है। तो ये कॉमन सा चीज़ है, इंडिया में नेटवर्किंग है, विद इन इंडिया होगा आपका, लेकिन जब आप फॉरेन में रहिएगा, अब्रॉड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क ज़्यादा होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ज़्यादा होगा, वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या होता है पीएचडी के बाद, लेकिन यहाँ पे समझते हैं वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको एंटरप्रेनर बनने का मौका मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं कि पोस्ट डॉक्टरल पोजिशन इजिली मिल जाएगा अगर आप बाहर रहते हैं तो ये सारा तो फायदा होगा। इंडिया में जानते हैं मेनली क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपके गाइड हैं, आपके बड़े पोजीशन पे हैं, तो आपको अच्छा जगह जॉब मिलने में थोड़ा आसानी होगा, ये चीज़ तो है। अच्छा जगह जॉब नहीं तो अच्छा जगह पोडॉक मिलने में आसानी होगा, जैसे अच्छा जगह का मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, नहीं तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे फैकल्टी होते हैं उनके गाइड बड़े बड़े पोजिशन, मतलब कि किसी IIT में बड़े प्रोफेसर में, तो उनका रिज्यूम डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उनको बहुत प्रेफरेंस मिलता है और डायरेक्ट फैकल्टी बनने का बहुत चांस होता है। इंटरव्यू में थोड़ा ख़राब भी गया तो उनका हो जाता है, तो ये चीज़ तो होगा आपको अगर आपके अच्छा गाइड है, नोन गाइड है, तो ये एक फ़ायदा इंडिया में आप मुझे दिखता है। और इंडिया में थोड़ा सा जॉब मार्केट फिलहाल के लिए कोर ब्रांचेज के लिए अभी इंडिया में बहुत कम है, मैंने डार्क एंड ब्राइट साइड में बताया है, बहुत कम है। CSC को अगर छोड़ दें तो इंडिया में फिलहाल जो डिमांड फॉर PhD होल्डर्स है बहुत कम है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में है लेकिन जो एवरेज इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, ज़्यादातर एवरेज इंस्टीट्यूशन है, कम अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन ये सब बहुत होता है, तो वहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगा इंडिया में। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने का बहुत मौका है आपको, आप स्टार्टअप कर सकते हैं, आप पोस्टडॉक अपॉर्चुनिटी इजली से मिल जाएगा, तो ये सारा चीज़ तो है इंडिया और बाहर में। अब आते हैं कि जनरली इंडिया में जो फंडिंग है और एक्सपेंसेस है, तो ये तो एकदम बिल्कुल सही है कि इंडिया में जो एक्सपेंसेस है बहुत कम है, लोअर लिविंग ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बाहर में लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। इंडिया में कम है, बाहर में बहुत हाई है, जैसे कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में 36,000 पर मंथ देती है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, तो 36,000 पर मंथ एक स्टूडेंट के लिए बहुत है। और मैंने भी बताया था कि मैंने PhD जर्नी में आपको बताया था कि जब मैं PhD कर रहा था तो मेरे 5 साल के बाद मेरा 10 से 12 लाख रुपया सेव हो गया था, ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। तो मान लीजिए 2 साल आपका जॉब नहीं भी लगता है, 1 साल, तब भी आपको ये सेविंग अमाउंट है। अगर आप अकेले हैं तब इतना बचेगा, आप फैमिली के साथ हैं तो नहीं बचेगा, तो बस तो इतना बच जाता है। तो इससे क्या होता है, मेंटली आप क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और बस ये फ़ायदा तो मुझे दिखता है फंडिंग एक्सपेंस मतलब लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन यहाँ पे सारा यूनिवर्सिटी आप अगर गवर्नमेंट जो MHRD स्कॉलरशिप देती है, जैसे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 37,000 अभी जो चल रहा है 37,000 JRF के लिए एंड 42,000 SRF के लिए, तो अच्छा खासा अमाउंट है। सिंगल जो है बैचलर हैं उनके लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, तो
ये फंडिंग है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे MHRD नहीं कॉलेज फंडिंग देती है, यूनिवर्सिटी फंडिंग देती है, तो वहाँ पे अच्छा अमाउंट मिलता नहीं है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाएगा। और इंडिया में थोड़ा लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, तो इससे क्या हो सकता है कि आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ फंडिंग करके कभी PhD मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर आपको कोई परेशान कर दिया, आपका गाइड सुपरवाइजर परेशान कर दे, तो आपको PhD अगर छोड़ने का नौबत आ जाएगा, तो आप 2-3 साल जो ट्यूशन फी पे किए हैं, तो वो सारा फिर आप कैसे निकाल पाइएगा, वो बहुत मतलब कि फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो सेल्फ फंडिंग के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा करिए इंडिया में खासकर। एब्रोड में क्या होता है ना कि बहुत सारा फंडिंग इंस्टीट्यूट होता है, वो अलग से, जैसे कि UKRI है, UK में है, फिर क्या बोलते हैं कॉमनवेल्थ PhD स्कॉलरशिप है, ऐसे चार्ल्स वैलेक इंडिया ट्रस्ट है, तो ऐसा बहुत सारा अलग से इंस्टीट्यूट है, मतलब बोल सकते हैं कि अलग से एक संस्था है जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, जो वर्ल्ड से बहुत लोग अप्लाई करते हैं, इंडिया UK का भी, इंडिया जर्मनी का भी है, तो ऐसे ऐसे करके कोलेब्रेशन में भी बहुत सारा है स्कॉलरशिप, आपको वो सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ के फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, मतलब 3 से 4 साल, इसीलिए मैं बोला कि वहाँ पर जल्दी क्यों होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है 3 से 4 साल, तो उस के अंदर ही आप PhD कर कंप्लीट कर लीजिएगा। इंडिया में क्या होता है ना कि जब तक आपने पेपर पब्लिकेशन नहीं किया तो PhD देने में दिक्कत करते हैं, वहाँ पे क्या होता है आपने काम खत्म कर लिया तो फिर आपको PhD वो दे देते हैं इजीली, क्योंकि फिर पेपर पब्लिकेशन होते रहेगा, लेकिन इंडिया में क्या होता है जब तक आप 2-4 पेपर पब्लिकेशन नहीं किया आपको नहीं छोड़ेंगे, तो पेपर पब्लिकेशन में क्या होता है पेपर आपने डाला वो बहुत बार रिजेक्ट होता जा रहा है, तो उससे PhD लेट होता चला जाता है, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिनिमम फ्री ड्यूरेशन के लिए पैसा मिलता है जो आपने स्कॉलरशिप से मिला, तो वो स्कॉलरशिप का यूज करके आपको उतना टाइम ड्यूरेशन में PhD खत्म कर लेना है। तो ये फंडिंग वहाँ पे ज़्यादा मिलने का ज़्यादा चांस है, लेकिन अब पैसा भी बहुत ज़्यादा सेव कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लिविंग कॉस्ट थोड़ा हाई होता है यूरोपियन कंट्री में, पैसा बहुत जो बचाने वाले बचा लेते हैं अच्छा से, मतलब थोड़ा सा एवरेज तरीके से रहिएगा तो बचा लेते हैं, लेकिन थोड़ा लिविंग कॉस्ट थोड़ा हाई होगा, वीज़ा रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, तो वो सब तो होगा ही, क्योंकि आप अच्छा जगह जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा आते हैं कि वर्क कल्चर एंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है, तो देखिए इंडिया में ना मोर हायरार्कल टाइप का वर्क कल्चर है, और क्या बोलते हैं कि इंडिया में हमेशा एग्जाम होता है, रिव्यू होते रहता है आपका PhD के लिए, ये तो अच्छा चीज़ है, ये मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन इंडिया में ना जो वर्क कल्चर में एक थोड़ा, जैसे आप मैंने खुद पर्सनली इस चीज़ को देखा है कि जैसे आपका एक लैब है, एक दूसरा का लैब है, तो ये लैब पॉलिटिक्स बहुत चलता है। लैब पॉलिटिक्स का मतलब कि अगर आपके लैब से कोई दूसरा कोई सामान ले रहा है, ठीक है, तो मुझे भी ये इंट्रैक्शन था मेरे PhD में, कोई दूसरा कोई सामान लेने आएगा तो उसको देना नहीं, उसको देने से क्या बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत से ये इकट्ठा किया, मेरे सुपरवाइजर बोलते थे ऐसा बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, उसको देना नहीं, तो ये क्या होता था कि ये लॉ पॉलिटिक्स, मेरे सुपरवाइजर ने सबके बोलते थे कि वो उसको कोई आएगा तो उसको यूज नहीं करने देना, तो जो लैब पॉलिटिक्स है ना ये बहुत ही खराब है इंडिया में खासकर, तो ये आपस में ना कोलेब्रेशन करने से रोकता है, ये क्योंकि सुपरवाइजर के बीच में ईगो क्लैश करता है सुपरवाइजर, तो ये कोलेब्रेशन करने से रोकता है, तो ये वर्क कल्चर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं है इस मामले में, लेकिन हर जगह भी नहीं है ये, लेकिन जनरली ये देखा है मैंने कि ऐसा होता है। क्या कर सकते, तो आपस में जो लैब के बच्चे होते हैं उसमें भी बहुत सारे PhD होल्डर हैं, मैं खासकर उस PhD होल्डर से अपील करता हूं कि वो जो आपका जो काम है ना, वो जो लैब का इंस्ट्रूमेंट है ना, वो आपका नहीं है, 5 साल के बाद जब पास करो, जब पास कर जाओगे तो वो फिर किसी और, वो आपका संपत्ति नहीं, वो किसी नया बच्चा आएगा वो फिर उसके अंडर में चला जाएगा, तो कोई भी आ रहा है ना उसको यूज करने दीजिए, बहुत सारा मैं देखता हूँ यूज नहीं करने देते, लड़ जाते हैं कि नहीं मेरा है, मेरा सामान है, ऐसा नहीं है, वो आपका बिल्कुल नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का प्रॉपर्टी है, तो उसको कोई भी आता है उसको यूज करने दीजिए, तो ये चीज होता है, लैब पॉलिटिक्स तो होता है इंडिया में, तो ये थोड़ा लैब पॉलिटिक्स था, ये तो होता है। अब यहाँ पे इंडिया में क्या होता है ना कि ये चीज आप देखिएगा जो बाहर में नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा ना, आपके सुपरवाइजर बोल देंगे कि सैटरडे संडे आके काम करो, सैटरडे संडे आके काम करो,
और इससे आप अगर फैमिली वाले हैं तो ये सैटरडे संडे आपसे पॉसिबल नहीं हो, तो ये सब ये स्ट्रेस क्रिएट करता है। बाहर में ऐसा नहीं है कि उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि हफ्ता में, मैंने सबसे बात किया, हफ्ता में 5 दिन आपका काम है मंडे टू फ्राइडे, वो भी फिक्स ड्यूरेशन के बीच, उसके बाद लैब बंद हो जाएगा। आपको ना कोई मेल का, आप किसी को गाइड को भी मेल कीजिएगा, आपका मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं करेगा। 2 दिन जो है सैटरडे संडे जो भी उनका वीकेंड है, तो उस 2 दिन में आपको कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब करने वाला है। ये वर्क कल्चर वहाँ का बहुत अच्छा, 2 दिन आप एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ रहिए, आराम से आप अपना काम कीजिए और वीकेंड में फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो वहाँ पे ऐसा कल्चर है, इंडिया में ऐसा नहीं है, बिना मतलब का आपको टेंशन दें। मैंने ये पीएचडी जर्नी में बताया भी है कि सैटरडे संडे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सप्ताह के 5 दिन सीरियसली काम किए, 2 से 3-4 घंटा जो इतना भी आपसे होता है, उतना ही में आपका इजीली 3 से 3.5-4 साल में पीएचडी ख़त्म हो जाता है। सैटरडे संडे काम करने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इंडिया में बिना मतलब का आपको ये चीज़ फोर्स किया जाएगा कि सारे सुपरवाइज़र नहीं, लेकिन मैक्सिमम सुपरवाइज़र ऐसा ही करते हैं, आपको फोर्स करेंगे सैटरडे को भी आइए, संडे को भी आइए काम करने के लिए। लेकिन वहाँ का वर्क कल्चर बिल्कुल ऐसा नहीं है, बाकी दिन एंजॉय कीजिए, और क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी उनका अलग लेवल का है। तो ये चीज़ वहाँ पे होता है, वहाँ पे लैब पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कम होता है। वहाँ पे ज़्यादा कोलेबरेटिव वर्क करते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, रिसर्च बेस्ड होता है। आपको अब सिंपल सा सोचिए कि अगर आप एक रिसर्च पे 2-3 लोग मिलके इनपुट दे रहे हैं तो वो रिसर्च ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अकेले काम कर रहे हो, वो रिसर्च ज़्यादा अच्छा होगा। ये कॉमन सा चीज़ है। तो वहाँ पे लैब पॉलिटिक्स और ये वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। लैब पॉलिटिक्स उतना अच्छा वहाँ पे, लैब पॉलिटिक्स बहुत कम होता है, आपको दूसरा के लैब में जाकर सामान यूज कर सकते हैं, ये सारा वहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन इंडिया में आपको एक पीडीएस खुला दूसरा से लड़ते रहते हैं, मेरे पास है ये मैं नहीं दूंगा, ऐसा मैंने देखा है पर्सनली, तो ऐसा होता है। तो ये सब तो है एक जो बर्डन है जो इंडिया में क्वालिटी ऑफ रिसर्च को अच्छा नहीं बनाने देता है। तो ये था वर्क कल्चर। अब थोड़ा कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे कि प्रेस्टीज का भी सवाल है कि आप में मान लीजिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT से पीएचडी किया, मान लीजिए टॉप 200 में भी कहीं से पीएचडी किया आपने, तो उसका जो वैल्यू मिलेगा ना आपको, वो वर्ल्ड लेवल पे मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे उसका वैल्यू मिलेगा, आप बहुत अच्छा अच्छा जगह पे जाकर प्रोफेसर बन सकते हैं। वहाँ पे आपको जैसे कि आप देखिएगा, अभी आप किसी भी IIT, जो IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIC बेंगलोर है, वहाँ के फैकल्टी का प्रोफाइल उठा के देखिए, सारे फैकल्टी ऑलमोस्ट आपको फॉरेन से PhD किए हुए मिलेंगे। इंडिया से PhD किए हुए बहुत कम मिलेंगे। जो नया नया जो फिलहाल आजकल रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो सारे PhD फॉरेन से ही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अपने जो PhD होल्डर्स को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रही है, इसीलिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि वो एक प्रेस्टीज का बात हो जाता है ना कि आप मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया, तो उसका एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है। और इस IITs में, चाहे इस यूनिवर्सिटीज में, यहाँ से PhD करके आया हो, तो एक प्रेस्टीज को आपको ऐसे भी आपको वैल्यू मिलेगा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कुछ आउट है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कि ज़्यादा टाइप का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लोग न्यू रिसर्च एरिया में काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत नया काम करते हैं, हम लोग का रिसर्च थोड़ा सा पुराना होता है, 20-30 साल पीछे का काम होता है, जो लोग छोड़ देते हैं वो हम लोग काम करते हैं। जनरली कुछ कुछ फैकल्टी बहुत कम जगह अच्छा काम होता है, तो ये हम लोग वो जो रिसर्च में हम लोग दे चुके हैं नोबेल प्राइज विनर, और इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं साइटेशन में हम लोग कितना पीछे हैं। इमिग्रेशन प्रोस्पेक्ट एक होता है कि अगर आप बाहर काम करते हैं, मतलब बाहर PhD करते हैं, तो आपको वहाँ पे सेटल होने का बहुत चांस है, पोस्टडॉक इजली मिलेगा। तो आप अगर बाहर पे जाके सेटल होना चाहते हैं, बाहर में PhD कर रहे हैं, तो इजली आप सेटल हो सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। फिर एक घाटा ये है कि आप फैमिली से दूर रहिएगा, जो बच्चे वैसे हैं जो फैमिली मतलब घर के खाना को मिस करते हैं, उनके लिए थोड़ा ये प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा अपने फैमिली से दूर रहेंगे, लेकिन अच्छा कुछ पाने के लिए कुछ तो मिस करना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटर्स में, जैसे कि आप मान लीजिए कि
इंडिया में पीएचडी करते हैं तो एक चीज़ अगर आपको अंदर बहुत है कि मैं देश के लिए सेवा करूंगा ऐसा कुछ भाव है, तो इंडिया में जो लोकल प्रॉब्लम्स है ना उसको रिकॉग्नाइज करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर पीएचडी के दौरान। लेकिन मैं बोलूँगा कि बाहर से पीएचडी करके आइए, कहीं पर अच्छा जगह फैकल्टी बनिए, फिर वहाँ पे जो लोकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, तो आपके पास एक फॉरेन का ये हो जाएगा, एक आपके पास आइडिया है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको इंडिया का थिंकिंग बाहर का थिंकिंग दोनों को मैच करके आप क्या बोलते हैं आराम से इजीली प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, आप पीएचडी जो है आप पीएचडी हायर कीजिए और उनसे ये सारे अच्छा अच्छा काम कराइए। तो मैं बोलूँगा कि बाहर से ही आके करिए, नहीं तो आपको मतलब कि इंडिया में भी रह के कर सकते हैं लेकिन यहाँ रिसर्च बजट थोड़ा सा कम होता है तो थोड़ा मुश्किल होगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि वाइड कल्चर जो चेंज होता है ना, तो अगर इंडिया में आप पीएचडी करते हैं तो एक कल्चर चेंज का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है अचानक ट्रेडिशनल थिंकिंग रहते हैं, बाहर में थोड़ा मॉडर्न टाइप का थिंकिंग ओपन माइंडेड लोग होते हैं, तो वो चीज़ अचानक आप देखिएगा तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इंडिया में रहने से। लेकिन ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये मैं जब सब कवर कर रहा था तो मैंने इसको भी कवर कर दिया क्योंकि ये कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है। वहाँ फैमिली एंड फूड है इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत लोग फैमिली को बहुत मिस करते हैं तो बार बार आ जा नहीं सकते। जिनके पास बहुत पैसा वो तो आ जा सकते हैं, लेकिन जिनका बहुत पैसा नहीं बार बार आ तो जा नहीं सकते हैं। तो इससे एक क्या बोलते हैं कि जो फैमिली को बहुत मिस करते हैं वो तो मत जाइए बाहर। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ को कवर कर लिया, मैंने बहुत सारे चीज़ को कवर करके मैंने ये बताया है कि पीएचडी करना क्यों अच्छा है और बाहर में पीएचडी अगर करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो इसको ना एक और डिटेल से समझ लेते हैं जो आपको ना बिल्कुल मतलब क्लियर आइडिया देगा। आप जनरली एक चीज़ देखिएगा कि जो इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा IIT IISc मतलब टॉप 7 इंस्टीट्यूट लेते हैं, और मैं पुराने मतलब वो नया IIT का बात नहीं कर रहा, न्यू जनरेशन का टॉप 7 IIT गुवाहाटी से जो ऊपर है और IISc बेंगलोर, मैं इसको ले के चलता हूँ प्रीमियर इंस्टीट्यूट में। तो आप जनरली देखिएगा यहाँ से जो BTech होते हैं, MTech होते हैं, MSc होते हैं, तो जनरली ये लोग क्या करते हैं ना कि इंडिया से PhD नहीं करते। आप जनरली आप किसी भी जगह को उठाकर देख लीजिएगा, जिनको नहीं मिलता है वो इंडिया से करते हैं, लेकिन जनरली ये लोग इंडिया से PhD नहीं करते, वो बाहर से ही PhD करना चाहते हैं। तो जनरली जो MS यहाँ से करते हैं IISc से, तो वो बाहर से ही PhD करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको ये पता है कि यहाँ का जो रिसर्च है उतना अच्छा नहीं है, उन्होंने अपने मास्टर प्रोग्राम में देख लिया। तो आप मान लीजिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से MTech किए हुए हैं, चाहे मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट से MTech किए हुए हैं, तो आपके लिए IIT बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। चाहे किसी NIT से MTech किए हुए हैं तो आपके लिए IIT बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, तो आप वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन मैं पहले बोलूँगा कि आप इंडिया से बाहर जाने में इंटरेस्टेड है, बहुत फ्लेक्सिबल है, तो टॉप 200 इंस्टीट्यूट में पहले सर्च कीजिए, अगर वहाँ पर मिल जाता है तो बाहर ही जाइए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जनरली आप ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि BTech खासकर BTech बच्चे तो बिल्कुल नहीं करते हैं, जो IIT से BTech है वो इंडिया में तो PhD बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन MTech जो MSc की है वो लोग भी नहीं करते हैं। SC में तो जो MS कर लिया वो बाहर से ही जनरली PhD करते हैं। तो ये सारा तो है, लेकिन ये सारा जो मैंने डेटा दिया और जो मेरा मैंने सब मतलब जो रीजन दिया उस बेसिस पे मैं फाइनली यही कंक्लूड करूँगा कि जो PhD है ना ये चॉइस है आपका कि कहाँ से करें। लेकिन अगर मुझसे पूछिएगा तो मेरा कंक्लूजन ये है कि जो बहुत सीरियस बच्चे हैं, जो रिसर्च लेके बहुत सीरियस हैं, वो बिल्कुल अब्रॉड से PhD कीजिए और टॉप 100 इंस्टीट्यूशन में, नहीं तो टॉप 200 में जो रैंक में आता है वहाँ पर जाने का ट्राई कीजिए। आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, वो हर जगह होता है एडजस्टमेंट में, और जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में प्रॉब्लम तो होता ही है, तो हर जगह होगा, लेकिन आपको रिसर्च बहुत अच्छा मिलेगा करने को और जल्दी होगा आपका PhD इंडिया के मुकाबले में। तो लेकिन वहाँ उसके बाद मैं यही बोलूँगा, वहाँ से आने के बाद इंडिया आइए और यहाँ के जो इन्वायरमेंट है रिसर्च इन्वायरमेंट को
थोड़ा बदलने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं रिसर्च में, तो ये तो ज़रूरी है करना। अब देख लेते हैं फाइनली कि कुछ कौन सा कंट्री से मतलब कि ज़्यादा अच्छा हो रहा है थी आप रिसर्च करने के लिए, कौन सा कंट्री से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ पे आप जाकर रिसर्च कीजिएगा। तो यूएसए के तो डोमिनेट करता है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि आप नोबेल प्राइज़ विनर से भी समझ चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है, सिंगापुर भी बहुत अच्छा है रिसर्च के मामले में, स्विट्ज़रलैंड है, न्यूजीलैंड है। तो ये सारे कंट्रीज़ मुझे लगता है कि आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए। जापान भी अच्छा है एशियन कंट्रीज़ में, चाइना नहीं मिलता है तो लास्ट में चाइना ताइवान जाइए, लेकिन चाइना कुछ इन यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, लेकिन पहले ये सारा जो मैंने बताया इसको प्रीफर कीजिए। लेकिन जीआरई जिनके पास नहीं है वो चाइना ताइवान जापान ये सब भी प्रीफर कर सकते हैं, वो लोग भी अच्छा रिसर्च कराते हैं इंडिया के मुकाबले। चाइना में तो अच्छा उतना नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हम लोग में से रिसर्च से थोड़ा सा वो लोग आगे हैं, क्योंकि मेरा जो काम था उसमें बहुत सारा जगह चाइना में वो काम चल रहा था, लेकिन यूके यूएस में तो ये सारा काम कब का बंद कर दिए वो लोग। तो ये चीज़ आपको ये सारी कंट्रीज में आप जाके पीएचडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा यही कंक्लूजन है कि ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, लेकिन अब सीरियस रिसर्चर हैं तो बाहर से पीएचडी कीजिए, आपके कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, और फिर इंडिया आके इंडिया के रिसर्च इन्वायरमेंट को थोड़ा सुधारिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।